वेरी वॉर्म वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज अनमोल शुक्ला। दोस्तों, अगर आपने किसी प्रोफेशनल कोर्स को चूज किया है, आप कॉलेज में हैं और मैनेजमेंट कोर्स ले रखा है आपने, भी PBA या MBA, तो कई बार जब एग्जाम्स आ रहे होते हैं, इंटरनल एग्जाम्स और मे बी सेमेस्टर एग्जाम्स, बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हम नोट्स के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं और नोट्स कहीं कॉन्क्रीट जगह पर हमें मिल ही नहीं पाते। या तो हम PDF से पढ़ रहे होते हैं या बुक से पढ़ रहे होते हैं। और बुक से पढ़ना, देखो बुक से पढ़ना तो अच्छी बात है, बट जितना लिमिटेड टाइम होता है उस पर बुक से हम पढ़ नहीं सकते। तो ये चैनल आपके लिए है, आप सही जगह पर हैं अगर आपको इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर नहीं करना पड़ता तो ये चैनल आपके लिए नहीं है, अगर करना पड़ता है तो ये कुछ शॉर्ट वीडियोज आप देखिए और आपको आइडिया लग जाएगा आपको किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है उन यूनिवर्सिटीज के लिए जो भी आप BBA और MBA के लिए जिस भी यूनिवर्सिटी में हैं। देखिए, सबकी बात एक ही है कि यूनिवर्सिटी में जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, उसमें BBA और MBA में ज़्यादातर जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। जैसे फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट हम शुरुआत करेंगे तो मैनेजमेंट में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, मोटी मोटी चीज़ें जब आप पढ़ लेते हो, फिर अंदर वाली चीज़ें जब आप पढ़ते हो और थोड़ा बहुत समझ लेते हो तो आपको लिखने का कंटेंट मिल जाता है। और मेन लिखना मैटर करता है, ये नहीं कि कुछ भी लिख के आ रहे हो, बट सही लिख हो और उसी को आप कितना थॉरली लिख सकते हो समझ के, वो मैटर करता है यूनिवर्सिटी में। अगर आपको भी बात समझ में नहीं आ रही है तो जब मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा तो उस दौरान आपको समझ में आ जाएगी। तो मैंने ये स्टार्टिंग की है, ये पहली वीडियो है जहां से मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूं और बहुत ही जल्दी मैं सारे सेमेस्टर्स की वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा, चाहे वो BBA हो या MBA हो। आप मेरे साथ रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियोस डेली टू डेली जो मैं अपडेट करूंगा या आती रहेंगी उनको आपको वो तुरंत आपके लिए अवेलेबल हो जाएं। और स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट की। अब ये आपके किसी भी सेमेस्टर में हो सकता है, सो इट डजंट रियली मैटर। आपको क्या ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। छोटे छोटे वीडियो में हम पढ़ेंगे, ये नहीं कि बहुत ज्यादा लंबी लंबी वीडियोस पढ़ेंगे क्योंकि आपके लिए हम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते। इट डजंट मीन कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम थॉरली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से लिखना है। सो इसी के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की। बुक से जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो ना तो इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, आप समझ ही नहीं पाते आपको किस तरीके से पढ़ना है, लेकिन उस बुक में क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से कहा जा रहा है, छोटी छोटी बातें उससे निकाल के ही मैं अपने लेक्चर्स में लाता हूं। तो मेरा नाम है अनमोल शुक्ला, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें और वीडियो कहीं भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। इसी के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन की, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। मोटी मोटी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले मैनेजमेंट के बारे में। तो अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के हो या आप CCS यूनिवर्सिटी के हो, AKTU के हो, जो भी मैंने टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स लिए हैं वो एग्जैक्टली सेम है। BBA कहीं भी आप पढ़ रहे हो, यही सब्जेक्ट्स होंगे और यही टॉपिक्स होंगे। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है, उतने आप भी होशियार हो, बट एग्जैक्टली सेम यही टॉपिक होंगे। तो टेंशन नहीं लेने का, वीडियोज देख के जाने का और सेमेस्टर में तो बवाल मचा देने का और अच्छे परसेंटेज लेके आने का, बहुत बढ़िया। तो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट आखिर है क्या। दोस्तों, मैनेजमेंट क्या है आप बोलोगे, मैनेज करना, जो कि एक बिल्कुल ठीक बात है। जब भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, इसका मतलब मैनेज करना, क्या करना, मैनेज करना, मैनेजिंग है ना, चीजों को मैनेज करना। तो यही तो मतलब है मैनेजमेंट का, कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या वो कोई गवर्नमेंट बॉडी हो, जैसे NGOs हो गई है ना, सॉरी गवर्नमेंट बॉडी हो या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गई। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, जैसे NGO, या कोई भी नॉर्मल कंपनी हो गई या ऑर्गेनाइजेशन होगी, मैंने लिख दिया। इन सब में एक एडमिनिस्ट्रेशन है और वो एडमिनिस्ट्रेशन ही क्या है, मैनेजमेंट है। अरे एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो वर्किंग कंडीशंस चल रही हैं आसानी से, इन सब चीजों को कौन देख रहा है, मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट एक एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया गया है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे NGOs हो एटसेट्रा, सब में एक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट होता ही है, क्योंकि मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर
अगर मैनेजमेंट ही नहीं होगा तो इनका मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा, एक सिस्टमैटिक वे में ये कैसे चल पाएंगे। तो मैनेजमेंट का सीधा मतलब है मैनेज करना। अब मैनेज हम कैसे करते हैं, उसी को हम थॉरली फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में हम प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर के लिए हम किस तरीके से प्लान करेंगे, किस तरीके से लोग जो है लोगों को मोटिवेट करेंगे, किस तरीके से लोगों को रिक्रूट करेंगे यानी कि स्टाफिंग करेंगे। बेसिकली सारी चीजें मैनेजमेंट में ही तो आती हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को कैसे मैनेज करना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कैसे मैनेज करना है, यार मैनेजमेंट में तो सब कुछ आता है। तो मैनेजमेंट का तो एक बहुत बड़ा स्कोप है देखा जाए तो। तो ये हो गई मैनेजमेंट के बारे में बात। सो मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस है, जाहिर सी बात है, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं। मैनेजमेंट में हम प्लानिंग कर रहे हैं। बेसिकली मैनेजमेंट का मतलब है कि हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को या किसी कंपनी को मैनेज करना है बेटर तरीके से, ताकि उसके डे टू डे ऑपरेशंस, और ना सिर्फ डे टू डे ऑपरेशंस मतलब फ्यूचर में भी, वो अच्छी तरीके से स्मूथली रन करे, अभी भी स्मूथली रन करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकल के आए कंपनी का। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के बारे में आपको याद रखनी है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लान करते हैं, और ना सिर्फ प्लान करते हैं, हम ऑर्गेनाइज भी करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी करते हैं। प्लानिंग किस तरीके से करते हैं, इसका बिल्कुल अलग टॉपिक है। प्लानिंग हम इस तरीके से करते हैं कि हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हम पहले से ही प्लान करके रखते हैं कि हमें ये करना है, क्या करना है, ये करना है, कैसे करना है, क्यों कर रहे हैं, प्लानिंग करने के लिए कर रहे हैं, ताकि हमें एक गोल जो है वो हम अपना अचीव कर पाए हमारे कंपनी के लिए। सो प्लानिंग में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज किसको कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम लोगों को। ऑर्गेनाइज किसको करेंगे हम, ऑर्गेनाइज हम किसको किसको करेंगे, ऑर्गेनाइज यहाँ पर लिख रहा हूं मैं ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि यार जो इम्प्लॉयज काम कर रहे हो उनको ऑर्गेनाइज करना भी हमें आना चाहिए। फाइनेंस को ऑर्गेनाइज करना, पैसों को ऑर्गेनाइज करना, है ना, बहुत सारी चीजें। शेयर होल्डर्स को ऑर्गेनाइज करना, जो भी डे टू डे ऑपरेशन है उनको ऑर्गेनाइज करना। अरे तो ऑर्गेनाइज में तो हम बहुत कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग भी आती है, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग भी आती है, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल है। अब देखो मैनेजमेंट में हमें हर पड़ाव में, हमें मैनेजर्स को ज्यादातर जो मेजर डिसीजंस लेता है डे टू डे ऑपरेशंस में वो मैनेजर लेता है, जो मैनेजर्स बनाए जाते हैं। तो मैनेजर को क्या करना पड़ता है, वो मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिसीजन मेकिंग एक रोल उसके पास होता है कि उसे पॉइंट टू पॉइंट डिसीजन लेने पड़ते हैं कुछ। कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड जो हो रही है वो हम देख रहे हैं हमारे कंट्री में वो लगातार कम हो रही है, लेकिन उनके डिपार्टमेंट में उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। अब प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो गई है लेकिन प्रोडक्शन ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा ये हायर अथॉरिटीज़ को ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये कौन कर रहा है, मैनेजर कर रहा है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए भी मैनेजमेंट जो है एक मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हैं, है ना। सबका गोल एक ही है, एक ही तरफ बढ़ रहे हैं हम। ये सारी चीजें हम कर इसीलिए रहे हैं ताकि मैनेज कर सके अच्छी तरीके से हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को या मैनेजमेंट को, ठीक है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, बेटर मैनेजमेंट या गुड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग भी करते हैं हम। तो मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग या कंट्रोलिंग का प्रोसेस। कहीं कहीं हम मैनेजमेंट को, यहां पर मैं लिख देता हूं दोस्तों, कहीं कहीं हम मैनेजमेंट को ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है। बताता हूं मैं ये क्या है, मैनेजमेंट क्या है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सॉरी प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो कई जगह मैनेजमेंट को ये भी कहते हैं कि मैनेजमेंट एक्चुअली में क्या है, स्टाफिंग, यानी कि अच्छे लोगों को रिक्रूट करना। तो मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट में स्टाफिंग भी आ जाती है कि स्किल्ड वर्कर्स या स्किल्ड एम्प्लॉयज को चूज करना, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से या उनका इंटरव्यू लेके उनके स्किल सेट्स के हिसाब से अलग अलग तरीके से। तो स्टाफिंग रिक्रूटमेंट पर डिपेंड करता है। स्टाफिंग में हम बात करते हैं एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट की, तो इसमें आपको लिखना है एम्प्लॉयज के रिक्रूटमेंट के बारे में कि किस तरीके से हम स्किलफुल एम्प्लॉयज को लेना है, फिर उनको ट्रेनिंग देनी है प्रॉपर तरीके से, ताकि जिस
भी वो पोजीशन पे काम करें, बेटर तरीके से काम करें और ओवरऑल मैनेजमेंट को फायदा हो उससे. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट की बेहतरी के लिए हम स्टाफिंग करें, डायरेक्टिंग करें कि कौन सा काम किस एम्प्लॉय को करना है, किस तरीके से करना है, मैनेजर उसको डायरेक्ट करें, टाइम टू टाइम मोटिवेट करें. ये सारी चीजें डायरेक्टिंग में आएंगी. प्लानिंग, ऑब्वियसली प्लानिंग में आपको बताया मैंने, फ्यूचर के लिए पहले से ही प्लानिंग करना. फ्यूचर के लिए जब हम प्लानिंग करते हैं तो रिस्क अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाते हैं, समझे, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं. कंट्रोलिंग, अब एक अथॉरिटी जो होती है डिफरेंट मैनेजमेंट, देखो किसी भी मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल्स होते हैं, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो या बॉटम मैनेजमेंट हो. तो अब विदिन दैट, विदिन दोज लेवल्स एक इंफॉर्मेशन की भी अगर ट्रेवलिंग होनी है तो वो लेवल्स के बीच में होगी, है ना. अब मैनेजर को फॉर एग्जांपल किसी इंप्लॉय को कुछ बात करनी है तो डायरेक्ट हायर अथॉरिटी पे जाके बात नहीं कर सकता है, वो अपने मैनेजर से बात करेगा, है ना, या जो भी उससे ऊपर सबऑर्डिनेट होगा उससे बात करेगा. तो वो सारी चीजें कंट्रोलिंग में आती हैं. एक अथॉरिटी रहती है कि आप मतलब जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो. यू हैव, यू आर बाउंडेड बाय समवन, दैट मींस देयर इज सम अथॉरिटी व्हिच is ultimately controlling you and you are in the control and that is also necessary because एक systematic way तैयार करके रखते, एक formal तरीका हमेशा बना रहता है management में. otherwise management में चीजें फिर formal way में होंगी नहीं, सब कुछ informal हो जाएगा, which is not good also. so ये सारी चीजें management के बारे में, इतनी ही चीजें अगर आप लिख के आते हो थोड़ी बहुत चीजें तो फॉर श्योर आपको आपका काफ़ी बड़ा कंटेंट बन जाएगा. और ना सिर्फ कंटेंट बनेगा, आपने अच्छी तरीके से चीज़ें लिखी हैं तो एग्जामिनर खुश होगा, आपको मार्क्स देगा. लेट्स टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन. सो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप हो, एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिखनी बहुत ज़रूरी है. सो हमने दो डेफिनेशन ली हैं, एक थोड़ी अलग है एक थोड़ी अलग है. एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड नूट्स है, अंडरस्टैंड दिस. According to Harold Moons, उन्होंने कहा management is the art of getting things done through others. एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा. देखिए management को basically हम एक और line आप याद रखो, मैंने आपको शायद लिखी है, art and science of managing resources of business. Management को हम art and science भी कहते हैं of managing the resources of the business. यानी कि business में जो भी resources हैं, business की resources क्या क्या हो सकती हैं, उसके raw materials, उसमें जो भी पैसा लगा हुआ है, फाइनेंस, बहुत सारी रिसोर्सेस होती हैं. तो आर्ट और साइंस है ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस. बिजनेस के रिसोर्सेज उसकी मैन पावर भी है, उसकी मशीन्स है, पावर सप्लाई, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस भी मैनेजमेंट को हम कहते हैं. आर्ट क्यों कहते हैं पहले बताओ, साइंस क्यों कहते हैं, मैनेजमेंट को हम साइंस क्यों कहेंगे. देखो हम साइंस पूरे, जब भी तुम बिजनेस की बात करोगे वहां पर कहीं ना कहीं आपको आर्ट एंड साइंस जरूर दिखेगा. देखो किसी भी चीज को हम साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार साइंस में हम थॉरली स्टडी करते हैं, थ्योरेटिकल स्टडी भी करते हैं हम, जब हम बात करते हैं साइंस की तो हम उसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं, हम बात करते हैं पॉलिसीज की, हम बात करते हैं रूल्स की, जिस प्रकार उसमें हम थ्योरम्स की बात करते हैं. तो जब हम साइंस की बात करते हैं तो हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं. क्या मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं. कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो साइंस ऑफ मैनेजमेंट कहलाती हैं. आर्ट ऑफ मैनेजमेंट और कुछ टेक्निक्स जो बनाई जाती हैं वो भी थ्योरेटिकली बताई जाती हैं साइंस में, बट उनको कैसे प्रैक्टिकली हमें फॉलो करना है वो बताया जाता है आर्ट में. तो आर्ट क्या है कि कितनी स्किलफुल तरीके से हम उन थ्योरेटिकल प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट आर्ट इज. तो वही लिखा है कि साइंस और आर्ट है ये. जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस इज नथिंग बट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स. हियर वी टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, नोट इट डाउन. इट्स अ साइंस की जब हम बात करते हैं तो सिस्टमैटिक वे की बात करते हैं. हियर वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स, रूल्स, थ्योरेटिकल टेक्निक्स, बट उन टेक्निक्स को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है ये हम बात करते हैं आर्ट में. आर्ट में हम बात करते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली उन स्किल्स को हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो आप आई होप समझ गए होंगे कि आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट की आर्ट और साइंस क्या है. वेरी गुड. Now let's talk about the definition. So according to Harold Notes, management kya hai? Management art of getting things done hai through others. Harold Notes ke hisab se management basically wo art hai. Art yani ki aaj ke baad yaad rakhna ki jo bhi theoretical aspects hai usko practically management ke betterment ke liye use kiya jaye wo hum baat karte hain art mein. ठीक है, जो भी टेक्निक्स है उनको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाए टू गेट बेटर रिजल्ट्स इन द मैनेजमेंट, फॉर द डिसीजन मेक, फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग.
वहां उसमें हम उसको हम आर्ट में बात करते हैं. सो नाउ हेरोल्ड नूट से ही कहा कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. और हम ये चीजें कैसे करेंगे, थ्रू अदर्स. उसमें अदर्स में ह्यूमंस आएंगे बेसिकली. जॉर्ज आर टेरी ने भी एक डेफिनेशन दी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी डेफिनेशन. सो क्या है वो डेफिनेशन, कि मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है, एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है. किस चीज का डिस्टिंक्ट प्रोसेस है, consisting of activities of planning. अब मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है जिसमें हम प्लान कर रहे होते हैं, तो इसमें प्लानिंग होती है, इसमें ऑर्गेनाइजिंग होती है, हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं चीजों को, हम एक्चुएट कर रहे होते हैं चीजों को, कि मतलब जो चीजें एक्चुअली में थियोरेटिकल हैं उनको हम एक्चुअली प्रैक्टिकली कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं, दैट इज व्हाट एक्चुएटिंग मींस. हम कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं, फॉर्मल वे बना रहता है, और ये सारी चीजें परफॉर्म की जाती हैं टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स. जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं या जो भी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं उस कंपनी के, उसको या उस मैनेजमेंट के, उसको अचीव करने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, एक्चुएटिंग हो या कंट्रोलिंग हो, डायरेक्टिंग हो, ये सारी चीजें हो जो हमने ऊपर पढ़ी हैं. With the use of human beings and other resources, और ये सारी चीजें हम किसके साथ करते हैं, human beings और other resources के साथ. तो I hope आपको ये introduction और management की definition वाला topic clear हुआ होगा. चैनल में नए हैं, चैनल को subscribe करें. कहीं भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मुझे मोटिवेट करके लाइक करें, कॉमेंट करें जहां पर भी आपको वीडियो पसंद आए, जो भी पार्ट आपको उसका पसंद आया. कोई भी फीडबैक देना है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कॉमेंट पे कॉमेंट करें, उसका डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा as soon as possible. So, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.